नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हमारी कैंपिंग साइट पे। तो ये है वो झील, आपको अभी दिखाते हैं। ये वो झील है, अभी अभी उधर सूर्यास्त हुआ है, सनसेट हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बार तो मेरे को लगा आप लोगों को भी दिखाता हूँ, फिर हमें थोड़ा टाइम लग गया था सनसेट कह रहा हूँ कैंपिंग सेट करने में। तो अभी हमने अपना टेंट गाड़ा है, आपको दिखाएंगे कैसे क्या है। तो ये वो कैंपिंग साइट है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, आग जलाओ, अपना खाना पीना बनाओ, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अपनी टीन लाओ, लकड़ियाँ उठा लाओ, बनाओ, नज़ारा शानदार है। सुबह फिर दिखाऊंगा। तो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ कैंपिंग करने के लिए, ज़्यादातर जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग ज़्यादा कैंपिंग कर रहे हैं, पर चलो हम भी शामिल हैं अब तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब मौका लगे जब ही कैंपिंग कर दो, क्या रिटायर्ड, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या सब चलता जी। चंद्रमा भी निकला हुआ है, आज फुल मून नाइट है, बड़ा अच्छा लग रहा है रास्ता। काफ़ी दिनों बाद एक महानगर के जंगल से निकल के गले में आए पानी के पास, मज़ा आ रहा है। चलो दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ मैं अपना कैंप जो हमने गाड़ा है। हालांकि हवा बहुत चल रही थी तो हमें परेशानी होगी, लेकिन फिर भी गाड़ दिया है। गाड़ी लाल गाड़ी हुंडई i30, छोटी मोटी गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी है, बहुत प्यारी है मेरे को। मैंने इसको कई बार सोचा, कईयों ने कहा बेच दे, नहीं ले ले, पर बेची नहीं जाती भाई, पहली चीज़ है, बहुत प्यारी। और ये हमारा कैंप है, आओ आपको दिखाता हूँ। ये टेबल है, फोल्डेबल, अपनी फोल्डिंग कुर्सियाँ, और ये अंदर का नज़ारा है जो आज रात हम यहाँ पे सोने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से है। वैसे आप लोगों ने कैंपिंग तो देख ही रखी होगी बहुत पहले भी, तो ये डबल बेड हमने बुलाया है, इसके अंदर हवा भरी गई है। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का होता है, थोड़ा प्लास्टिक, थोड़ा कपड़ा, इसके अंदर पंप से हवा भरो और 10 मिनट में आपका सोने का जुगाड़ तैयार। रजाई तक ही हम साथ ही लाए थे, पानी हमने रख लिया है, रात को जरूरत पड़ेगी तो पी लेंगे। पीछे कुछ हल्का फुल्का खाने का सामान है, बिस्कुट वगैरह, रात को मूड होया खा लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, फिर ये है हमारा टेंट, और ये टेंट की खिड़कियाँ, अगर रात को जरूरत पड़े तो फ्रेश एयर खानी हो, गर्मी हो तो इसको ऊपर उठा दो, बस एक गड़बड़ है, ये जो ज़िप हैं ये अंदर की तरफ होनी चाहिए थी, ताकि अंदर की तरफ सोते सोते इनको खोल दो, पर वो फिर आलसी लोगों के काम है। तो इन्होंने आदमियों को सोचा कि थोड़े एक्टिव रहेंगे और बाहर आएंगे खिड़की खोलने के लिए, तो चलो बैठते हैं यहाँ, थोड़ा इंजॉय करते हैं। हाँ, थोड़ी देर में अभी डिनर बनाएंगे, खाएंगे, और ठीक है फिर बाकी बातें बाद में, जैसे सफ़र बढ़ता जाएगा बातें करते जाएंगे, आपको बातें बताते जाएंगे। ठीक है, जब घर से निकले थे तो उस टाइम मेरा कुछ ज़्यादा मनसा नहीं था, बट अब यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार मेरे को लग रहा था क्यों जा रहे हैं, क्या पड़ी है, कहीं और दूसरे शहर में चलते हैं, ओवरसीज चलते हैं,
फिर आखिर में सोचा कि नहीं अब रोड ट्रिप ही करते हैं, काफ़ी साल हो गए थे ओवरसीज में बहुत घूम चुका, तो रोड ट्रिप का इस बार हमने प्लान बनाया, देखो कहाँ तक निकला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा नज़ारा देखो, सनसेट हुआ है अभी झील के अंदर, जो दर्पण का काम कर रही है झील, बादल उसके अंदर चमक रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है भाइयों, फिर ओके बाय।